मुंबई में बोले पीएम मोदी, गणेश विसर्जन को प्लास्टिक फ्री बनाने में करें मदद। मुंबई में पीएम मोदी ने रखी 3 मेट्रो लाइन की आधारशिला। चंद्रयान पर कहा, चांद पर जाने का सपना पूरा होकर रहेगा। मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ताहिलर मानी ने दिया इस्तीफा, हाल ही में हुआ था ट्रांसफर। एनएसए डोभाल बोले, कश्मीर के लोग 370 पर फैसले के साथ, पाकिस्तान ने की तनाव पैदा करने की कोशिश। जयपुर में बीएमडब्ल्यू कार खराब होने पर अपराधी ने गोली मारकर लूट ली 2 कारें। पहली खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के लोगों से गणपति विसर्जन को प्लास्टिक फ्री मनाने के लिए मदद मांगी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने विसर्जन के दौरान भी सफाई रखने की अपील की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव ठाकरे को अपना छोटा भाई बताया। पीएम ने कहा, जब तक इसरो के साथ वैज्ञानिक कामयाब नहीं होते, वो हार नहीं मानेंगे। असल में ये बात प्रधानमंत्री मुंबई में मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 3 मेट्रो लाइन की आधारशिला रखी। इससे पहले पीएम मोदी ने भगवान गणेश की पूजा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे मुंबई के लोगों की सादगी अभिभूत करती है। उन्होंने चंद्रयान 2 मिशन को लेकर कहा कि आज मैं इसरो के वैज्ञानिकों से काफी प्रभावित हुआ हूं। हमारा चांद पर पहुंचने का सपना जरूर पूरा होकर रहेगा। तीसरी खबर, मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस विजया के ताहिल रमानी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा कॉलेजियम द्वारा उनके ट्रांसफर आदेश पर पूर्ण विचार नहीं करने के बाद दिया है। बताने की जस्टिस विजया के ताहिल रमानी का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मेघालय हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने पूर्ण विचार की अपील की थी, जिसे ठुकरा दिया गया। आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि ताहिल रमानी ने शुक्रवार रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दिया और देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को इसकी एक प्रति भी भेजी। जस्टिस गोगोई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने ताहिल रमानी को मेघालय हाईकोर्ट स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की थी। उन्हें पिछले साल 8 अगस्त को ही मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। चौथी खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अब बेहतर होती जा रही है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में स्थिति मेरे अनुमान से कई ज्यादा बेहतर होती दिखाई दे रही है। एकमात्र घटना 6 अगस्त को जरूर हुई, जिसमें एक युवती की जान गई, लेकिन उसकी मौत गोली लगने से नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उस युवक की मौत किसी कठोर वस्तु से उस पर प्रहार करने की वजह से हुई। इतने दिनों में सिर्फ एक इसी घटना की सूचना मिली है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कश्मीर में लोगों से मिलने जुलने की मुहिम शुरू की है। डोभाल ने खुद लगातार कश्मीर आ जा रहे हैं। डोभाल ने ANI से कश्मीर के हालात को लेकर बात की है। डोभाल ने कहा कि कश्मीर में बहुमत ने 370 खत्म करने का समर्थन किया है। पांचवी और आखिरी खबर आपको बता दी कि राजस्थान का हिस्ट्री शीटर शंकर गुज्जर और अपने साथियों के साथ सीकर रोड पर BMW कार लेकर घूम रहा था, जब रात 10 बजे उसकी BMW कार खराब हो गई तो उसने एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी कार छीन ली। जिसकी कार छीनी उसका नाम उज्जवल बताया जा रहा है। पुलिस ने जैसे ही नाकाबंदी लगाई, अपराधियों ने हथियार की नोक पर 10 किलोमीटर दूर ही दूसरी कार भी लूट लिया। पहले की लूटी कार को छोड़कर दिल्ली हाईवे के रास्ते फरार हो गए। गोली का शिकार होने वाले उज्जवल को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब पीछा किया तो अपराधियों ने चकमा देने के लिए सिकर रोड पर गाड़ी को छोड़कर कालवाड़ पुलिया के पास दूसरे राहगीर से गाड़ी लूटी और भाग गए। पुलिस के अनुसार 5 स्थानों की टीमें शहर में अपराधियों की
खोजबीन में लगाई गई है।